ऑल ऑफ अस हैव अ डिफरेंट पाथ टू अचीव अवर गोल्स। अभी हम देख सकते हैं आप कि यहाँ पे एक बच्चा है, स्लो जा रहा है, कोई हेल्प करने मिल गया, वो अपना गोल अचीव कर लिया। एक और बच्ची है यहाँ पे, उसके पास बहुत सारे चीजें अवेलेबल है, लेकिन एक बहुत बैरियर है, इसको पार कर लिया, चले आता। तो कामयाबी जो है हर बच्चे के लिए, हर शख्स के लिए अलग अलग तरीके से होती है। किसी को जो है आसान रास्ता मिलता है, किसी को मुश्किल रास्ता मिलता है, लेकिन आपको देखना चाहिए कि आप कहां जा रहे हैं। कितने बच्चों को मैथ्स का प्रॉब्लम है आपके? यहाँ पे कितने पेरेंट्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैथ्स आपके बच्चे को डिफिकल्ट है? अगर आपके बच्चे को मैथ्स डिफिकल्ट है, यहाँ पे सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है? अगर आपका बच्चा कहता है मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूं, उससे बोलिए मैं ट्रेनिंग लूंगा मैथ्स में। अगर बच्चा कहता है मुझे प्रॉब्लम नहीं आता, बच्चा क्या कहना चाहिए? मैं हेल्प लूंगा, आई कैन आस्क फॉर हेल्प। मैं मदद, मुझे अगर सॉल्व करना नहीं हो रहा तो बच्चा क्या करना? यू शुड आस्क फॉर हेल्प। ये सिखाना है हमें। हमारे बच्चे क्या समझते हैं, मैं क्यों पूछूं, मुझे नहीं आता, बस आई कैन आस्क फॉर हेल्प, आई गिव अप, मेरे हाथ से नहीं होता, आई नीड टू गो बैक एंड यूज अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, मुझे वापस जाना है और एक नया मेथड ट्राई करना है। जब भी आपके बच्चे कहते हैं आई कांट डू इट, आप बोलिए ट्राई दिस मेथड, चेक विथ योर फ्रेंड, आस्क योर पापा, आस्क योर अंकल, आई वोंट ट्राई बिकॉज आई माइट फेल, मैं दोबारा नहीं करता, मैं फिर हार जाता हूं। तो हम क्या बोल रहे बच्चों को, इफ आई फेल आई कैन ट्राई अगेन, अगर मैं हारूंगा तो मुझे ट्राई करने का एक और मौका मिलेगा। आप लोग समझ रहे बातों को? ये बातें इतनी पावरफुल हैं कि इसी से जो है बच्चों का जहन बनता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स बने। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंडिपेंडेंट हो, है कि नहीं भाई? आप चाहते हैं कि आपके बच्चे 25 साल के बाद भी आपके ऊपर डिपेंडेंट रहे? चाहते हैं क्या? मैं तो नहीं चाहता। बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना माँ बाप का वन ऑफ द मेन एम्स है, उनको बनाना चाहिए, लेकिन विद ग्रोथ माइंडसेट। मैथ इज टू हार्ड, मैथ बहुत मुश्किल है, ये फिक्स्ड माइंडसेट कहता है। ग्रोथ माइंडसेट क्या कहता है? मैथ हेल्प्स मी स्ट्रेच एंड ग्रो माई ब्रेन, मैथ्स के जरिए मेरा ब्रेन बड़ा होता है, इट स्ट्रेचेस, इट बिकम्स बिगर, मैथ से मेरी एबिलिटी और अच्छी होती है। आई एम नॉट एज स्मार्ट एज माई फ्रेंड, मैं मेरे फ्रेंड की तरह बहुत स्मार्ट नहीं हूं, ये फिक्स माइंडसेट है। ग्रोथ माइंडसेट क्या होगा? आई कैन लर्न फ्रॉम अदर्स एंड आस्क फॉर हेल्प, मैं दूसरों से पूछ सकता हूं ना, वो मेरी हेल्प करेंगे ना। देखिए आप कितना डिफरेंस है। अगर बच्चा फिक्स्ड माइंडसेट में रहेगा तो हमेशा अपने अंदर रहेगा। हम कभी कभी सोचते हैं कि क्यों मेरी बेटी अकेली बैठी है, ज्यादा बात नहीं करती, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो उसका माइंड है ना वो फिक्स हो गया है, मैं कुछ भी करूं तो हमारे अब्बा मेरे को डांटते, हमारा मी मेरे को हेल्प बोलते, तो दैट इज द प्रॉब्लम। अगर हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे, हमारे बच्चों के अंदर इमोशनल क्वोशेंट नहीं रहेगा और उनके लिए चैलेंजेस और बढ़ेंगे।